सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मस्त एंड मैजिक को, और दबाए उस घंटे को निशान को हमारा लेटेस्ट मैजिक सबसे पहले देखने के लिए और सीखने के लिए। दोस्तों हर दिन की बात ही, आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे से मैजिक ट्रिक्स लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैजिक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पहले मैं आपको करके दिखला दूंगा, फिर यह किया कैसे जाता है, इस मैजिक के पीछे का ट्यूटोरियल क्या है मैं आपको सिखला दूंगा। और बहुत ही इजी मैजिक ट्रिक है। इस मैजिक ट्रिक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कहीं भी पार्टी फंक्शन में आप दिखला सकते हैं। बहुत ही इजी और नॉर्मल मैजिक ट्रिक है। पहले मैं आपको करके दिखलाता हूं। दोस्तों आज का मैजिक करने के लिए मेरे पास होगा एक कार्ड, जो कि देख रहे हैं ये है कार्ड ताश के पत्ता। इस पत्ते से आज का मैजिक हम करेंगे। इस पत्ते को हम माचिस में चेंज करके आपको दिखलावेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह मैजिक आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है ताश के पत्ता, एक्का का ताश का पत्ता है, और इसे मैं माचिस में आपको चेंज करके दिखलाऊंगा, थोड़ा सा मैजिक करूंगा इसमें। देख सकते हैं कि यह माचिस में चेंज हो चुका है, और बिल्कुल यह माचिस ही है। आप सोचते होंगे कि इसके अंदर होगा या कहीं और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं दिखला भी देता हूं कि इसके अंदर माचिस का तिल्ली भी है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर माचिस था और माचिस बना के मैं आपको दिखला दिया है। देख सकते हैं पूरा एकदम क्लियर है, कहीं से कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मैजिक आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक जो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरीके के मैजिक सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटे को निशान को दबा दें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप इस मैजिक को कैसे कर सकते हैं, इस मैजिक को हमने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं, इसका पीछे का सीक्रेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस मैजिक को करने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगा एक ताश का पत्ता, जो कि आप देख सकते हैं। इस ताश को पत्ता जो है इसको माचिस के आकार, जैसे कि माचिस का जो साइज होता है उस साइज से आपको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद फेविक्विक के माध्यम से इसे, इसके नाप लेने के बाद इसमें चिपका देना है। चिपकाने के बाद इसको जब हम ऑडियंस को दिखलावेंगे तो ऑडियंस को ऐसे दिखलावेंगे, ऐसे फोल्ड करके, ताकि ऑडियंस को ये पता नहीं चले कि इसमें माचिस पीछे लगा हुआ है। और जब हम मैजिक करेंगे, जब मैजिक के थोड़ा मैजिक करेंगे हम, मैजिक जैसे हम मैजिक करके आपको दिखलाया, तो उसको हाथ के माध्यम से इसको ऐसे इसके ऊपर डाल देना है, फिर इसको ऐसे इसके ऊपर डाल देना है, फिर ऑडियंस को ऐसे दिखा देना है माचिस है, और उसके बाद ऐसे इसमें से मैं माचिस का तिल्ली निकाल के आपको दिखलाया। बस यही मैजिक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट मैजिक में, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा, नमस्कार।